हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, ये हम लोग जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो हिस्टोग्राफी बुक एंड ऑथर, इस नाम से हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके प्रीवियसली दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो फोल्डर है वहाँ से आप उसको हिस्टोग्राफी बुक एंड ऑथर नाम के फाइल से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हिस्ट्री जो पहला लेक्चर था वो हिस्ट्री के डिफिनीशन के ऊपर था कि किस हिस्टोरियन ने हिस्ट्री की क्या डिफिनीशन दी है। सेकंड जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बुक और उसके ऑथर को डिस्कस किया था। आज भी हम लोग बुक एंड ऑथर को, प्रोमिनेंट बुक और जो ऑथर हैं उस बुक के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनकी बुक के को देखेंगे। तो ठीक है, आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो आज के फर्स्ट राइटर हैं वो है आर एस शर्मा, और ये इससे पहले हम लोगों ने 70 राइटर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके और वहाँ से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो नेट और जेआरएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं। आर एस शर्मा की जो बुक है, तकरीबन इनकी बहुत सारी बुक है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, जो 8 बुक है, तो इस 8 बुक का नाम कौन कौन सा है। फर्स्ट बुक है इनमें अर्बन डिके इन इंडिया, जो पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सेकेंड बुक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशियंट इंडिया। इसके बाद में थर्ड बुक है शूद्रा इन एंशियंट इंडिया, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ लोअर कास्ट लोअर ऑर्डर डाउन टू सिरक 600 AD। ठीक है, जो इनकी फोर्थ बुक है वो है इंडियाज एंशियंट पार्ट। जो फिफ्थ बुक है वो है लुकिंग फॉर द आर्यंस। सिक्स्थ बुक है इंडियन फ्यूडलिज्म यानी भारतीय सामंतवाद। सेवेंथ बुक है अर्ली मिडाइवल इंडियन सोसाइटी ए स्टडी इन फ्यूडलिज्म। ठीक है, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज की ये बात करती हैं और फ्यूडलिज्म सामंतवाद के अध्ययन, सामंतवाद एक अध्ययन। जो 8th बुक है वो है पर्सपेक्टिव इन सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत के जो सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं वो जो इन 8th बुक है वो है। ठीक है, इसके बाद अन्ना विलियम्स, जो अन्ना विलियम्स की बुक है, इनकी बुक का नाम है द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंसेस। तो याद रखिएगा, अन्ना विलियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गुप्ता पीरियड के ऊपर काम किया है। ए एल बसम की जो फेमस बुक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वंडर डेट वॉज इंडिया। ठीक है, यानी भारत एक आश्चर्य, तो ये किसकी बुक है, ए एल बसम की। सेकेंड बुक है द हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द अजीवक ए वेस ए वेनिस्ट इंडियन रिलीजन। थर्ड बुक है पेपर ऑन द डेट ऑफ कनिष्का। फोर्थ बुक है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिफ्थ बुक है हर्षा ऑफ कश्मीर एंड द आइकनोक्लास्ट। इनकी सिक्स्थ बुक का नाम है रिसेंट वर्क ऑन द इंडस सिविलाइजेशन। सेवेंथ बुक है ए न्यू स्टडी ऑफ द सक कुसान पीरियड। एट बुक है द सक्सेशन ऑफ द लाइन ऑफ कनिष्का। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको उम्मीद करता हूँ कि वंडर डेट वॉज इंडिया का नाम तो पता होगा, लेकिन बाकी का भी नाम आप याद रखिएगा, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं और रिपीट कर लेता हूँ, द हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द आजीवक ए वेनिस्ट इंडियन रिलीजन, पेपर ऑन द डेट ऑफ कनिष्का, ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हर्ष ऑफ कश्मीर एंड आइकनोक्लास्ट, रिसेंट वर्क ऑन द इंडस सिविलाइजेशन, अ न्यू स्टडी ऑफ सक कुसाना पीरियड एंड द सक्सेशन ऑफ लाइन ऑफ कनिष्का। ठीक है, तो ये सारी बुक हैं एल वसम की। अब रोमिला थापर, ये बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, तो इनके बारे में, इनके तकरीबन 19 से 20 पुस्तकें हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी जो पहली इंपॉर्टेंट बुक है वो है अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्य। सेकेंड बुक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 एंड ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2। थर्ड बुक है एंशियंट इंडिया मिडेवल इंडिया। फोर्थ बुक है द पास्ट एंड प्रेजुडिसेस। फिफ्थ बुक है एंशियंट इंडियन सोशल हिस्ट्री सम इंटरप्रिटेशन। सिक्स्थ बुक है एग्जाइल एंड अ किंगडम सम थॉट्स ऑन द रामायणा। सेवेंथ बुक है डिसेंट इन द अर्ली इंडियन ट्रेडिशन। एट्थ बुक है फ्रॉम लिनिएज टू स्टेट, यानी वंश से राज्य तक।
सोशल फॉर्मेशन ऑफ द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इन गैंगेटिक वैली, 9th बुक है इनका द मौर्यन रिविजिटेड, 10th बुक है इंटरप्रिटेटिंग अर्ली इंडिया, और 11th बुक है कल्चरल ट्रांजेक्शन ऑफ अर्ली इंडिया ट्रेडिशन एंड पेट्रोनेज। ठीक है, इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट बुक है वो है शकुंतला टेक्स्ट रीडिंग हिस्ट्रीज, फिर है जो इनकी 12th बुक है वो है हिस्ट्री एंड बियॉन्ड, 13th बुक का नाम है इनका कल्चरल पास्ट एसे इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, 14th बुक है अर्ली इंडिया फ्रॉम ओरिजिन टू 1300, 15th बुक है सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, फिर 16th बुक है इनका हिस्ट्री हिस्टोरिकल बिगनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यन। ठीक है, 17th बुक का नाम है इनका द आर्यन रिकास्टिंग कंस्ट्रक्ट 3 essays, फिर है 18th बुक है द पास्ट बिफोर अस हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ अर्ली नॉर्थ इंडिया, एंड 19th बुक है द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉरेन कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटीज थ्रू हिस्ट्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा ये आपको बोझिल सा लग रहा होगा, थोड़ा मतलब आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा हम इसको डिटेल में इनकी बुक का भी डिस्कस कर लेते, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए रिलेवेंट क्या है कि इनकी बुक का नाम क्या है या ये बुक किसने लिखी है। तो आपको थोड़ा भी अगर आप सरसरी निगाह से भी इसको देख लेते हैं, थ्रू आउट भी देख लेते हैं, तो अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से एक क्वेश्चन कर लेंगे, और एक एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं GRF क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, नेट क्वालिफाई करने के लिए, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कीजिए। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं 75th राइटर जो है वो है DD कोसाम्बी। इनकी बुक का नाम है मीथ एंड रियलिटी स्टडीज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो सेकेंड बुक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, थर्ड बुक है इनका एक्सपरेटिंग एसे एक्सरसाइज इन द डायलेटिकल मेथड, जो फोर्थ बुक है वो है मीथ एंड रियलिटी स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका जो फिफ्थ बुक है वो है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, सिक्स्थ बुक है इंडियन न्यूसमैटिक्स, सेवेंथ बुक है इनका कंबाइंड मेथड इन इंडोलॉजी एंड अदर राइटिंग, जो एट बुक है वो है अनसेटिंग द पास्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये इनकी DD कोसाम्बी की जो 8 बुक थी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर इरफान हबीब की कुछ बुक्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनकी फर्स्ट बुक है इमेजिंग रिवर सरस्वती ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंसेस, सेकेंड है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, थर्ड है एसे इन इंडियन हिस्ट्री टुवर्ड ए मार्क्सिस्ट परसेप्शन, फोर्थ बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया ए सर्वे, इसके बारे में है मेडाइवल इंडिया द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट वन, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट टू द इंडस सिविलाइजेशन, एंड ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 द वैडिक एज, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 मौर्यन इंडिया। तो इन्होंने इस बुक को 28 वॉल्यूम में लिखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, ये इंडस वैली इंडस सिविलाइजेशन मतलब पीपल्स हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 28, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये एक बुक इसने लिखी है इमेजिन रिवर सरस्वती ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंसेस। इम्पॉर्टेंट क्या है, दी एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये किसने लिखी है। ठीक है, द नेशनल मूवमेंट स्टडीज इन आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ये बुक इम्पॉर्टेंट है। तो जो बुक थोड़ा अलग सा है उसको आप याद रखिए और वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बीबी लाल की बुक का नाम है परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड सो फार एक्सकेवेटेड एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो ये बुक नहीं है दरअसल, ये इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो ये भी नेट जारी की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। फिर है RH मिडाउ, इनकी बुक का नाम जो था, इनका जो आर्टिकल था वो था द डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन ग्रेटर इंडस वैली। फिर है मार्सिया ए फेंट्रेस, इनके जो राइट इनका जो लेखन था वो था रीजनल इंटरेक्शन इन इंडस वैली अर्बनाइजेशन। फिर है वेरा NST, इनकी बुक का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। BM भाटिया, इनकी पुस्तक का नाम है फेमिनिन इन इंडिया, यानी भारत में जो अकाल पड़ा है इसके बारे में इन्होंने लिखा है। जो बुकैनन है ये कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज इन इंडिया के बारे में लिखते हैं। DR गॉडगिल इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इंडिया के में लिखते हैं, ये गॉडगिल प्लान इनका जो था वो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आरजी कॉलिंगवुड की पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये दोबारा आ गया है, ठीक है। वीकू फारे की पुस्तक का नाम है कॉलोनियल ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म, एंड यहाँ पर रिफॉर्म का स्पेलिंग गलत है, REFORM होगा, ठीक है। तो रिफॉर्म एंड एनालिसिस ऑफ गांधी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, वीकू फारे जो है वो गांधी स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं, तो गांधी के ऊपर अगर कोई बुक आए उसमें वीकू फारे के ऑप्शन में हो तो आप निश्चिंत होकर के मार सकते हैं उसको, ठीक है, और वो राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर दीपेश चक्रवर्ती की बुक का नाम है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री, एरिक हॉब्सबॉम की बुक है ऑन हिस्ट्री, माइकल फूको की बुक का नाम है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी दोबारा आ गया है। जो एडवर्ड सईद है इनकी बुक का नाम है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, हिडन वाइट की बुक का नाम है मेटा हिस्ट्री, ये भी दोबारा है। मार्क ब्लॉक की बुक का नाम है हिस्टोरियन क्राफ्ट, ये भी दोबारा आ गया है यहाँ पे। फिर है एस एन बैनर्जी, ये जो बुक है इनकी बुक का नाम है ए नेशन इज मेकिंग। सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942, एंड शहनवाज खान की बुक का नाम है माई मेमोरीज ऑफ INA, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। कीप अस लविंग, कीप अस मोटिवेटिंग। थैंक्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे।